अधूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव केसोपुर का है, जहां के कमलेश और रणवीर के बीच कुछ दिन से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 19 जून को रणवीर ने कमलेश को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसमें कमलेश पक्ष ने रणवीर समेत 3 लोगों को नामजद किया था। आज उसी मामले में पुलिस रणवीर के यहां उसे पकड़ने के लिए दबिश डालने आई थी। इसी दरमियान आरोपी रणवीर ने बादी पक्ष के बिमलेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ पुलिसकर्मी भी फायरिंग में बाल बाल बच गए। इस बीच पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जब पुलिस से मृतक के परिजन सब कुछ देर सब ग्रह से बाहर रखने की विनती की, तो पुलिसकर्मियों ने मृतक के परिजनों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की। आरोपी रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई। एक के बाद एक हो रही हत्याओं ने कानून व्यवस्था ने सवाल खड़े कर दिए। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। का मुकदमा लिखा गया था, 1 महीना हो गया, 1 महीने से कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा है। और बाहर के भी लोग आते हैं उसके यहाँ, मतलब राइफल और पिस्टल लेके, मतलब धमकाते रहे इन्हें, काफी दबाव बनाया क्या नाम राजीबाजी के लिए, मतलब राजीबाजी करें, अगर नहीं करेंगे तो गोली मार देंगे। आज पुलिस डिविस के लिए गई थी तो उसी के साथ ये थे, तो पता नहीं वो कहाँ था, उसी ने रणवीर ने गोली मारी। पुलिस के सामने गोली मार दी, सामने मारी, सीने में लगी है। किसी का मारी? गांव में ही लगी है, केशोपुर में। मर्डर हुआ है, क्या मामला है? ये ग्राम केशोपुर पड़ता है, थाना दन्नाहार में। उस गांव के बिमलेश यादव हैं और उसी गांव के दूसरे रणवीर। एक जमीन को लेकर के विवाद चला रहा था। इसी विवाद को लेकर के जून में भी उनके भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें यह अभियुक्त फरार चल रहा था। आज इसी अभियुक्त द्वारा बिमलेश को उसी रंजे से द्वारा गोली मारी है और साबित किया गया है। उसकी मृत्यु हो चुकी है और पुलिस मौके पर है। एफ आई आर की कार्रवाई की जा रही है, सी गिरफ्तारी की जा रही है।